नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब तक कितने लाख टन धान की हुई खरीद? बिहार के एक ही जिले में मिला कोरोना पॉजिटिव। आज से समाज सुधार यात्रा पर निकले सीएम नीतीश। माध्यमिक पास छात्रों के लिए जारी हुआ 423 करोड़। बिहार के कई जिलों में शीतलहर के आसार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के एक ही जिले में मिला कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 77 पर पहुंच गई है। वहीं अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,72,208 सैंपल की जांच की गई। वहीं 9 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में अब तक कितने लाख टन धान की हुई खरीद? बिहार में धान खरीद का काम जोर शोर से किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक कुल 87,917 किसानों से 6,80,658 टन धान खरीद का काम हो चुका है और 39,730 टन चावल राज्य खाद्य निगम को प्राप्त हो चुका है। बिहार सरकार के खाद्य सचिव की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा धान की खरीद का काम हो चुका है और सभी 38 जिलों में मंडियों पर जिलाधिकारी के स्तर से लगातार निगरानी कराई जा रही है। किसानों द्वारा किसी तरह की शिकायत मिलने पर संबंधित जिलाधिकारी उसका समाधान भी कर रहे हैं। साथ ही कुल 66,572 किसानों को 1,08,79,00,000 रूपये का भुगतान हो चुका है। आज से समाज सुधार यात्रा पर निकले सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से अपने समाज सुधार यात्रा पर निकल गए हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने मोतिहारी जिले से की है। इस दौरान मोतिहारी में होने वाले जनसंवाद और समीक्षा बैठक में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के अधिकारी भी जुड़े रहे। इसके बाद 24 दिसंबर को वो इस अभियान के तहत गोपालगंज जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री 12 जिलों से जाएंगे और वहीं से आसपास के जिलों के विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार सभी जगहों पर मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इस दौरान उनकी कुल 5 सभाएं होंगी। इनमें से 27 को सासाराम, 29 को मुजफ्फरपुर और 30 दिसंबर को समस्तीपुर जाएंगे। इसके बाद जनवरी में 4 को गया जाएंगे। अंतिम सभा पटना में 15 जनवरी को होनी है। ज्ञात हो, इस यात्रा के दौरान वो राज्य में भी चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना की समीक्षा बैठक करेंगे। मैट्रिक पास छात्रों के लिए जारी हुआ 423 करोड़। शिक्षा विभाग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम श्रेणी में मैट्रिक में पास होने वाली अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 423 करोड़ से अधिक रुपए जारी कर दिए हैं। यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 की योजना मद की है और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से अलग अलग 3 बार में राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने मंगलवार को राशि जारी करते हुए इसकी सूचना महालेखाकार बिहार को दे दी है। साथ ही मुक्ति आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत कुल मिलाकर 249,14,60,000 रुपए जारी किए गए हैं। इस राशि से बीएसईबी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रति विद्यार्थी 10,000 की दर से राशि दी जाएगी। बिहार के कई जिलों में शीतलहर के आसार। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। इसी बीच बिहार के कई जिलों में शीतलहर के आसार भी जताए गए हैं। हालांकि इन सबके बीच राजधानी पटना वासियों को 2 दिन तक जरूर ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। अगले 48 घंटे में राजधानी समेत राज्यभर के तापमान में विशेष गिरावट नहीं आने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में राजधानी समेत सूबे में मौसम शुष्क बना रहा। सूबे का न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा, यानी कि पिछले दिनों की तुलना में यह ज्यादा रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 48 घंटे में तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। वहीं राज्य में 1 से 2 जगह कोहरा और धुंध का प्रभाव रहेगा। दक्षिण बिहार में भभुआ, बक्सर, गया, नवादा में शीतलहर की संभावना है, जबकि 1-2 जगहों पर कोल्ड डे भी हो सकता है। पटना के एसबीआई रहे मृत्युंजय कुमार सिंह की संपत्ति देख चौक ईओयू के अधिकारी। पटना के एसबीआई रहे मृत्युंजय कुमार सिंह के ठिकानों पर बीते कई दिनों से ईओयू लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में अब ईओयू की टीम पटना के एसबीआई रहे मृत्युंजय कुमार सिंह के गोला रोड के फ्लैट पर पहुंची तो वहां की भव्यता देख ईओयू के अधिकारी भी चकरा गए। फ्लैट की भव्यता देख अधिकारियों को तो एक समय के लिए लगा कि वो किसी 5-स्टार होटल में आ गए हैं। उनके लिए यह यकीन करना बहुत ही मुश्किल था कि यह एक एसबीआई का फ्लैट है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मृत्युंजय सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के बाद मंगलवार को ईओयू की टीम ने उनके 4 ठिकानों की तलाशी ली। इसमें फार्मेसी कॉलोनी के आरके सदन अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 701 भी है। इसे पेंट हाउस नाम दिया गया था।
इस मामले में बिहार की महिलाओं ने पुरुषों को छोड़ा पीछे। बिहार की महिलाएं कई मामलों में पुरुषों को पीछे छोड़ने का काम कर रही हैं, जिसके तहत ही कंप्यूटर की जानकारी में भी अब महिलाओं ने आगे बढ़ने का काम किया है। कॉमन सर्विस सेंटर से मिली जानकारी के अनुसार पूरे बिहार में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक डिजिटल साक्षर हुई हैं। पूरे प्रदेश में 32,42,175 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, इसमें 22,23,851 महिलाएं डिजिटल साक्षर हो गई हैं। वहीं पुरुषों की बात करें तो 24,79,327 पुरुषों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, इसमें से 14,36,873 ही डिजिटल साक्षर हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी। हर राज्य को वहां के जनसंख्या के अनुसार लक्ष्य दिया गया था, जिसमें बिहार को 66,30,000 का लक्ष्य मिला था। सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में एडमिशन चार्ज में बढ़ोतरी। बिहार में सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके तहत अब एडमिशन फीस 50 रूपये होगा। अब तक हाई स्कूल में 20 रूपये और हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 रूपये एडमिशन फीस होता था। इतना ही नहीं, अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अब हर साल और ज्यादा राशि खर्च कर सकेंगे। इसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने भी दे दी है। इसके अलावा डेवलपमेंट फी के रूप में हाई स्कूल में 80 रूपये के चार्ज को यथावत रखा गया है, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल में डेवलपमेंट फीस 160 रूपये से बढ़ाकर 200 रूपये कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक हाई स्कूल में फिर से एडमिशन लेने पर लगने वाले शुल्क को खत्म कर दिया गया है और ट्रांसफर शुल्क को भी खत्म कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के नए निर्देश के मुताबिक हाई स्कूल में मनोरंजन शुल्क 10 से बढ़ाकर 20, विद्युत शुल्क 10 से बढ़ाकर 20 और विद्यालय रखरखाव शुल्क के रूप में 50 रूपये नया शुल्क लगाया गया है। नए साल में बिजली दरों में बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। नए साल के साथ आपका बिजली का इस्तेमाल करना महंगा हो सकता है, क्योंकि बिहार में अगले साल से बिजली दरों में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर वितरण कंपनियों के प्रस्ताव को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूर कर लिया है। इसको लेकर प्रस्ताव इसी साल नवम्बर महीने में दिया गया था, जिसके बाद अब यह तय है कि अगले साल बिजली उपभोक्ताओं को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि यह नई दरें क्या होने वाली है, इसको लेकर कोई भी फैसला अभी नहीं लिया गया है। उम्मीद है कि मार्च में आयोग नए बिजली दरों की घोषणा करेगा। हालांकि इससे पहले नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से सौंपे गए प्रस्ताव पर अब आयोग आम लोगों से राय भी लेगा। सरकार के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं 78 नर्सिंग संस्थान से मांगा गया स्पष्टीकरण। बिहार के 6 दर्जन नर्सिंग संस्थान सरकार के आदेश का पालन नहीं करते पाए गए हैं, जिसको देखते हुए ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पिछले 3 साल में 7वीं बार आदेश जारी कर नर्सिंग संस्थान चला रहे संचालकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। साथ ही निदेशालय ने साफ कहा है कि अगर विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो नर्सिंग संस्थानों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग संस्थानों को निदेशक प्रमुख डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद की तरफ से पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। डेल्टा की तुलना में 3 गुना ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन। बिहार समेत सभी राज्यों को नोटिस। बिहार में फिलहाल कोरोना के मामलों में संतुलन बना हुआ है, हालांकि देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही बिहार समेत सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि आपातकालीन संचालन केंद्रों को सक्रिय किए जाने के साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त और त्वरित रोकथाम कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने परीक्षण और निगरानी के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं का सख्त नियमन, शादी और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीतिक निर्णय को लागू करने की सलाह दी है। बिहार के 677 स्कूलों में हो सकेगी 11वीं 12वीं तक की पढ़ाई। बिहार के अब 677 माध्यमिक स्कूलों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होने वाली है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 824.17 करोड़ रूपये की राशि को स्वीकृति मिल गई है। इतना ही नहीं, राज्य के 677 स्कूलों में पढ़ाई शुरू किए जाने को करके स्कूलों में लैब कमरे समेत अन्य सुविधाओं का विकास किए जाने की अनुमति दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने आरा में एथेनॉल और बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना के लिए प्रोत्साहन क्लीयरेंस का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने पहले चरण में 677 पंचायतों माध्यमिक स्कूल को उत्क्रमित कर यहां 8वीं तक की पढ़ाई प्रारंभ कराई थी। अब दूसरे चरण में यहां पर 11वीं 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होनी है। मांझी की जुबान काटने पर इनाम देने वाले नेता को पार्टी ने किया निष्कासित। ब्राह्मणों को मांझी की तरफ से दिए गए बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में बवाल था। हालांकि उन्होंने बढ़ते विरोध को देखते हुए माफी तो मांगी, लेकिन उससे मामला शांत नहीं हुआ। मामले की गहनता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गजेंद्र झा ने मांझी की जीभ काटने वाले ब्राह्मण को 11 लाख रुपए देने की बात कही थी। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले ब्राह्मण के परिवार की जिंदगी भर सेवा करने की बात भी उन्होंने कही थी। हालांकि भाजपा ने उनके इस बयान को हल्के में नहीं लिया, जिसके परिणाम स्वरूप गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया है। शादी के 2 हफ्ते बाद ट्विटर पर लौटे तेजस्वी आते ही सरकार पर कसा तंज।
शादी के बाद आखिरकार तेजस्वी की ट्विटर पर एंट्री दोबारा हो गई है, जिसके बाद आते ही तेजस्वी ने सबसे पहले अपना विपक्षी धर्म निभाया और सरकार पर तंज कसा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 16 वर्षों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था दुरुस्त होने से अधिकांश सामाजिक समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है, माननीय आपका सिस्टम पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। हालांकि तेजस्वी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री जी, क्या बिहार की बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, पलायन और बेरोजगारी, सरकार की व्यवस्था संबंधित सबसे बड़ी सामाजिक समस्याएं नहीं है? आप इन सामाजिक खामियों, समस्याओं और प्रशासनिक विफलताओं पर यात्रा कर इन्हें दूर क्यों नहीं करना चाहते? दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने भारतीय टीम के इस खिलाड़ी को बताया खतरनाक। बस कुछ ही दिनों में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने भारतीय गेंदबाज को टीम के लिए खतरनाक बताया है, जिसके तहत सीरीज के शुरू होने से पहले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की और उन्हें अपनी टीम के लिए खतरा बताया है। उनका मानना है कि विदेशी परिस्थितियों में भारतीय आक्रमण में काफी सुधार हुआ है और बुमराह तेज गेंदबाजों की मददगार पिचों का फायदा उठाने में सक्षम है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत दक्षिण अफ्रीका में 2018 के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज खेलेगा। टीम को उस दौर में शानदार प्रदर्शन के बाद भी 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि सीरीज थी जिसमें बुमराह ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुमन सौरभ, अखिलेश यादव, ममिता कुमारी, संजय कुमार, कुंजय कुमार, मृत्युंजय कुमार, मुन्ना यादव, रोशन कुमार, ओमकार सिंह, राम बालक पासवान, संजय कुमार, सुमन सौरभ, विजय कुमार, संजय कुमार, श्री ओम प्रकाश सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नए साल पर घूमने के लिहाज से बिहार की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।